ओ आप पटेल, वाह, तेरे ये पटेल पोटैटो चिप्स का जवाब नहीं। अच्छा है ना, ये वो पिछले साल आलू सड़ गए थे ना, उनके बने हैं। अच्छे नहीं लगे? नो प्रॉब्लम, इस साल के खाना मजा आ जाएगा। इस बार आलू की फसल बहुत बढ़िया हुई है। अरे फिर तो एफसीएच की मौज ही मौज है भाई, किसानों को कांटेक्ट करो। एक मिनट रुको रुको भाई, भाटिया जी आप फूड इंस्पेक्टर हैं, तो इस साल ये आलू की फसल अच्छी बनी है तो इसका फायदा किसको होगा? किसानों को ना, एफसीएच वालों को। मगर आपको? अरे हमें क्या फायदा होगा, ज्यादा से ज्यादा तो 300-400 पैकेट चिप्स भिजवा देगा हमारे घर, और क्या। भाटिया जी समझो, इस साल मैं आलू की चिप्स की जगह आपको गोल्ड के चिप्स भेजूं तो ना, खाने का फायदा क्या, दांत और खराब हो जाएंगे। ना ना चिंता नहीं, पटेल साहब दांत भी गोल्ड के ही लगवा देंगे। मतलब आप बस अनाउंस करा दो कि इस साल आलू की फसल अच्छी नहीं बनी है, आलू की क्वालिटी जो है बहुत ही घटिया है, और एफसीएच वाले किसानों से आलू नहीं खरीदेंगे। ना इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि वो औने पौने भाव में आलू हमको बेच देंगे, और हम आपको बेच देंगे। नहीं नहीं, आपको बेच नहीं देंगे, आपको भेज देंगे। और कहाँ भेज देगा तू हमको? वर्ल्ड टूर पे, मिस वर्ल्ड आलू वालिया के साथ। और मैं क्या बात कर रहे हो, गेहूं बोआ और बाजरा निकला? पता नहीं जी, आपने जो बीज दिए थे वही बोए थे मैंने तो। अरे यार चलो, कम से कम बाजरा खा तो सकते हो ना। पिछली बार रामवरण धान रोपे था, निकला कपास, भूखा मर गया बेचारा। पर ऐसा होता क्यों है शुक्ला जी? देखो भैया, ये तो कुदरत की बात है। वैसे विशेष जानकारी चाहते हो ना तो साइंटिस्ट पांडे जी से मिलो, वही बता पाएंगे कि भाई बीज आजकल अपना करेक्टर क्यों बदल रहा है। वो तो बाजरा सेहत के लिए अच्छा होता है गुरु। पर हम अपने लिए थोड़ी बोते हैं शुक्ला जी, तो हम तो जनता के लिए उगाते हैं जी। अरे महाप्रभु, जनता की चिंता आप मत कीजिए, एफसीएच के गोदाम में अनाज सड़ रहा है। इधर आ, इधर आ। सॉरी 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 के, तेरे को कई बार कहा है कि ये दीवार गंदी क्यों करता है। अब ध्यान रखूंगा ना दोबारा से, सॉरी सर। पिछली बार भी तूने यही कहा था जब मेरी धोती गंदी की थी तूने तो। नहीं करूंगा, सॉरी। सॉरी क्या, तू अपना ध्यान क्या रखेगा, तेरा ध्यान तो मैं रखूंगा। चौटाला निकाल, ये ले, इधर ला गला अपना, इसको यूं डाल ले, अपान थूका, खाया खाया थूका। हाँ, और आज के बाद ये तेरे गले में ना दिखाई दिया ना तो तेरे को डीडीटी की तरह खेतों के ऊपर छिड़क दूंगा मैं। नहीं 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 नहीं, दिखाई नहीं दूंगा मैं तो। भाटिया जी हैं कैबिन में? जी जी। चौटाला आ जा। नमस्ते नमस्ते उषा जी। नमस्ते नमस्ते, मैं बाद में फोन करती हूँ। इतने दिनों बाद मुस्तफीलाल जी। अब क्या है उषा जी, किसान का तो एफसीएच के ऑफिस दो ही बार आना होता है, एक बार जब बीज लेने हो और एक बार जब फसल देनी हो। तो आप लेने आए हो या देने आए हो? ना ना, हम तो देने ही आए हैं। चौटाला ये क्या है? आपका अचार। मेरा अचार? नहीं मतलब आम का अचार। क्यों तकलीफ की लाने की? लाने की तकलीफ ना करता तो यहाँ बनाने की तकलीफ करनी पड़ती। मुझे याद है पिछली बार आपने यहीं बिठवा के मुझसे अचार बनवाया था। वो भाटिया जी हैं? है ना, अभी बताती हूँ। हेलो सर, चौधरी मुसद्दीलाल जी आए हैं। हाँ जी, जाइए जी। थैंक यू। आओ चौटाला। भाई वाह चौधरी, प्याज की चटनी का जोड़ नहीं है। किसकी बनाई? प्याज। अरे वाह, उगाया क्या? प्याज। अरे वाह, आलू नहीं उगाया? नहीं आलू नहीं उगाया, क्यों? ऐसे ही पूछ लिया। अच्छा नस्ल चेक कराई? चेक तो करवा रहा हूँ। नहीं नहीं, पांडे जी हमारे साइंटिस्ट हैं, इनसे चेक करानी पड़ती है। चौटाला लो पांडे जी, चेक कर लो। भाई चेक करना पड़ता है कि हाइजीनिक है कि नहीं। ना जी ना ना ना, इसकी नस्ल बेकार है। मुझे तो इसकी नस्ल खराब लगती है। क्या? अरे इतनी वाहवाह फसल हुई है, जर्मन टेक्नोलॉजी से इंडियन प्याज उगाई है, इतनी अच्छी फसल हुई है, क्या प्रॉब्लम? समझाओ ना भाटिया जी। यार बात को खुल के बताया कर पांडे जी। सबके लिए कुछ ना कुछ लाए, और मेरे लिए? अरे आपके लिए तो डब्बा भर के जी लेके आया हूँ पांडे जी। जी
जी तो मैं साथ लेके पैदा हुआ था, आप क्या लाएंगे? नहीं वो वाला जी नहीं जिसके साथ आप पैदा हुए थे, लावे चौटाला जी फॉर ग्रेप्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब बताओ जी नस्ल कैसी है? आपकी नस्ल कभी खराब हो सकती है? मेरी नहीं, मेरा मतलब आपके प्याज की। हाँ हाँ तो फिर डन है। हाँ जी बिल्कुल, फटाफट ले आओ 10 रुपए किलो के हिसाब से। वैसे क्वांटिटी कितनी है? हैं तो 3 खेत पर 15 रुपए के हिसाब से। नहीं नहीं 15 बहुत ज्यादा है, पब्लिक को कितने भी देंगे, पब्लिक को 10-12 रुपए से ज्यादा में नहीं दे सकते। तो दो। 15 का लेके 12 का दें? हाँ तो दो, सब्सिडी करो, जैसे बाकी चीजों में सब्सिडी लगाते हो इसमें भी लगाओ, तुम भी खाओ हमें भी खिलाओ। ठीक है खिलाओ, आ जाओ शाम को घर पे। ओके टन, वैसे प्याज की बड़ी शॉर्टेज है मार्केट में। ओके वेरी गुड, अच्छा जी चलता हूँ। अच्छा जी पांडे जी आ जाओ चौटाला। सर प्याज की नस्ल वाकई खराब है। चौटाला जी शाम को घटिया शराब की बोतल लेकर आना और बुड्ढे से बुड्ढा चिकन कटवा लेना, समझा जी? इन लोगों को ढंग की चीज पचती नहीं है, जांच ही नहीं है FCH वालों को ढंग की चीज की। जी बोला कैसे? वो ऐसे कैसे नहीं लेंगे आप आलू? कौन कहता है आलू घटिया है, ये देखो क्या मोटे मोटे आलू हैं। एक मिनट भाई एक मिनट। अरे एक मिनट क्या, अरे इतना आलू लेकर जाएंगे क्या हम? ये सब चलने वाला नहीं है। क्या बात है देवीलाल, क्यों चिल्ला रहे हो? देखिए ना चौधरी साहब, इस साल आलू इतना अच्छा हुआ है और FCH वाले कहते हैं कि आलू अच्छा नहीं है, लेना नहीं है। अरे लेंगे कैसे नहीं? अरे भाई FCH कोई विधानसभा तो नहीं है, जाके आराम से भाटिया जी से बात कर लो। क्या आराम से, किसानों की आवाज कोई दबा नहीं सकता। ए काशीराम अपनी पतली आवाज को ज्यादा मत उठा, हर जगह दादागिरी अच्छी नहीं लगती है। जाओ जाके आराम से भाटिया जी से बात कर लो। चलो सब। मोर्चा लेके कहाँ जा रहे हो? अंदर जा रहे हैं। नहीं नहीं अंदर दो आदमी से ज्यादा नहीं जा सकते, सोच लो कौन जाएगा तुम लोग। चौधरी साहब आप बताओ कौन जाएगा इन लोगों में से? मैं नहीं, मतलब भाई तुम लोग अपना एक नेता चुन लो, कौन है तुम्हारा नेता? मैं यहाँ सब नेता ही है। यही तो प्रॉब्लम है, ये बंसीलाल, ये देवीलाल, ये काशीराम सब अपने आप को नेता समझते हैं। अरे ऐसे कैसे चलेगा? ये देखो चौटाला मजा आ रहा है इसकी कि अपना मुंह खोल दे, ऐसा होना चाहिए। अब तुम लोग आपस में तय करो कि तुम्हारा नेता कौन है। मैं अरे नहीं लेकिन भाई मैं तो आलू उगाता ही नहीं। अरे इससे क्या हुआ, किसान तो हैं और चौधरी साहब आपसे बेहतर ना किसानों के हक के लिए कोई नहीं लड़ सकता। अब फुल तो नेता वाली आप में क्वालिटी है। चलो ठीक है तुम में से कोई एक मेरे साथ आ जाओ। ठीक है मैं चलता हूँ। अरे भाई फिर से वही मैं बंसी तू आ जा। ठीक है आता हूँ जी। तू भी आ जा। मैंने क्या बिगाड़ा आपका? अरे तू बिगाड़ भी क्या लेगा मेरा, तू तो खुद ही बिगड़ा हुआ है। आ जाओ तीनों आ जाओ। चौटाला जी बोला कैसे? तेरी पटती नहीं है मंसी से, यहीं रहना तू। आ जाओ तुम तीनों मेरे साथ। चलो चलो अब मजा आएगा। चौधरी साहब अंदर अपनी चौराई में भूल गए तो मेरा नाम सॉरी शुक्ला सॉरी। ये गलत बात है भाटिया साहब, गलत बात है। अरे बोलो भाइयों। क्या गलत है? अरे बोलो ना भाइयों। अरे आपने हमारा आलू खरीदने से मना कर दिया, पड़ा पड़ा मंडी में सड़ रहा है। क्या करें इतने आलू का? अरे घड़ी सारी चीजें हो सकती हैं, आलू के पराठे बन सकते हैं, आलू की सब्जी बन सकती है, आलू का हलवा बन सकता है, बोल तुझे क्या पसंद है? अरे मुझे तो आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तू बोल दे भी। ओ, मुझे तो आलू और लालू दोनों पसंद नहीं है भाई। लालू तो मुझे ही पसंद नहीं है लेकिन आलू का हलवा। अरे यहाँ पे तुम्हारी पसंद नहीं पूछी जा रही है, यहाँ तो फैसला करो जी। अरे फैसला क्या करना है चौधरी साहब, हमारे साइंटिस्ट पांडे जी ने बताया है कि इनका पैदा किया हुआ आलू एकदम खराब क्वालिटी का है और पहले इतना आलू सड़ रहा है हमारे गोदाम में, अब खराब आलू लेके क्या करेंगे हम? अरे आलू खराब नहीं है भाई, ये तो पांडे जी बताएंगे आपको। ये देखिए आलू की हालत देखिए, कितने खराब है आलू, किसने उगाए है ये आलू? बोलिए ना मुसद्दीलाल जी। अरे मैं कैसे बोलूं, मैंने थोड़े उगाए हैं आलू, मैंने तो प्याज उगाए हैं। लेकिन आप हमारे नेता हैं, हमारी ओर से आप बोलिए। और वैसे भी आलू और प्याज में ज्यादा फर्क थोड़ी ना होता है, दोनों उगते हो जमीन से है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए पांडे जी। किसने उगाए हैं ये खराब आलू? पहली बात तो ये है कि मैंने नहीं उगाए हैं ये आलू, और मान लो अगर मैंने उगाए भी होते तो बीज खाद DDT ये सब तो आपके यहाँ से दिया जाता है ना, तो साथ में आलू भी दे देते, उगाने का झंझट ही ना होता। अब अगर उग गए हैं तो खरीद लो चुपचाप, बहुत काम है भाई मुझे। मैं क्या करूँ? कुछ करो, वादा करो, आश्वासन दो। ठीक है मैं वादा करता हूँ कि इससे कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है तो FCH के चेयरमैन को एप्लीकेशन लिखिए और उषा जी के पास एप्लीकेशन जमा कराइए। यही तो मैं अभी पेपर देती हूँ आपका एप्लीकेशन लिखने के लिए, जरा एक मिनट ये साड़ी पकड़ो।
ये सुई पकड़ो जी। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो, वहाँ बैठे और फॉल लगाओ। अरे हमें फॉल लगानी नहीं आती। हमें भी नहीं आती। मुझे भी नहीं आती है। अरे क्या है भाई, तुम लोगों को फॉल भी लगानी नहीं आती है। ले पकड़ इधर से, पकड़ पकड़ जल्दी से, लासू इधर दे जी। कोना पकड़ उधर का, हाँ ये सीधा रखना इसको, खींच के, खींच लिया, ले लिया। वाह, अब तो गजब की फॉल लगाते। ये लीजिए, दीजिए अब इनको कागज और पेन। जी ये लीजिए कागज और ये लीजिए पेन। जी हम पढ़े लिखे ना है। हम भी पढ़े लिखे नहीं। मैं भी नहीं हूँ। अरे एक नंबर के अनपढ़ो सारे के सारे। लाओ मैं ही लिख देता हूँ एप्लीकेशन। हाँ जी डियर, नहीं डियर नहीं लिखते, रेस्पेक्टेड लिखते हैं। रेस्पेक्टेड चेयरमैन जी, हमारे आलू जो आपकी खाद और बीज की वजह से बहुत सुंदर पैदा हुए हैं, तंदुरुस्त भी हैं, उन्हें भाटिया ने लेने से इनकार कर दिया है, है ना? कर दिया है। अब हम इन्हें कहाँ लेकर जाएं? कहाँ लेकर जाएं? इससे पहले कि हमारे आलू सड़ जाएं, आप इन्हें खरीद लें ताकि हम भूखे मरने से बच जाएं, बच जाएं। धन्यवाद। हाँ भाई नीचे नाम किसका लिखूं? देवी का, बंसी का कि काशी का? अपना भर दीजिए। मेरा? हाँ। अरे मेरे तो प्याज है, आलू नहीं है। लेकिन किसान तो हैं आप। पर आलू आलू होते हैं, प्याज प्याज होते हैं जी, दोनों एक ही जगह से उगते हैं ना। आज हमारे आलू खरीदने से इनकार किया, हो सकता है कल आपके प्याज खरीदने से इनकार करते तो फिर आपका साथ कौन देगा? हम देंगे, किसान किसान के काम आता है, और फिर आप तो हमारे नेता है, रहनुमा है। चलो ठीक है, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ जी, मुसद्दी लाल चौधरी। हाँ जी लीजिए उषा जी, अब तो मैं तुम लोगों के साथ हूँ। FCH को तुम्हारे आलू खरीदने ही पड़ेंगे। ना जी ना, FCH ने फैसला किया है कि वो आपके आलू नहीं खरीदेगी, उसने आपकी एप्लीकेशन को ठुकरा दिया। अरे तो हम लोगों का क्या होगा, भूखा मर जाएगा किसान। लो कर लो बात, अरे घर में आलू का ढेर पड़ा है और भूखा मर जाएगा। अरे आलू खाओ भाई, उबले खाओ, फ्राई खाओ, और नहीं खाना है तो मत खाओ, मेरा भेजा मत खाओ, मेरे खाने का टाइम हो गया है। भाटिया साहब पर कारोबार कुछ नहीं चौधरी साहब, आप इस चक्कर में पड़े हो, अपने प्याज बेचो, प्रदेश को बहुत जरूरत है। हाँ ये ठीक है, नहीं पर अच्छा ऐसा करो आलू प्याज एक साथ खरीद लो। फिर वही बात, अरे मैं कह रहा हूँ आप अपना प्याज बेचो, मैं इनका इंतजाम कर दूंगा। क्या करोगे? अरे पटेल साहब। भाटिया जी क्या हाल है? अब बहुत अच्छा हूँ भाई, ये पटेल पोटैटो चिप्स के मालिक हैं, ये आपके आलू खरीद लेंगे। क्या? हाँ भाई सबके खरीद लूंगा मैं। पर क्यों खरीद लोगे इतने सारे आलू? आपने पटेल पोटैटो चिप्स का नाम सुना है? नहीं सुना। पटेल वेफर्स का नाम सुना है? नहीं सुना। पटेल पोटैटो फ्राई का नाम सुना है? नहीं सुना। अपना नाम सुना है? नहीं सुना। नहीं मतलब सुना है। अरे इन्होंने सुना है कि नहीं सुना है मैं बताता हूँ, ये बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, ये आपके आलू खरीद लेंगे, इनको बेच दो। रेट क्या मिलेगा? एक रुपया किलो। लेकिन सरकारी रेट तो 3 रुपए है जी। मगर सरकार आपसे खरीद नहीं रही है ना, अभी सस्ते में ले रहे हैं। हाँ भाई किसानों से बड़ी हमदर्दी है, किसानों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। हम नहीं बेचेंगे तुम्हें। अरे मान जाओ, बेच दो भाई। नहीं बेचेंगे। देखो मान जाओ वरना दो बातें हो जाएगी, या तो आपका आलू बिकेगा या तो यूं ही पड़ा सड़ जाएगा। बिकेगा कहाँ से, और यूं ही पड़ा सड़ गया तो दो बातें होगी, या तो आप उसे उठाकर फेंक देंगे या तो वहीं पड़ा रहेगा। वहीं पड़ा रहेगा तो बदबू मारेगा, और उठा के फेंक दिया तो दो बातें होगी, या तो कोई और उठा के ले जाएगा या तो हम उठा के ले जाएंगे। कोई और कहां से उठाएगा, हमारे आदमी हर तरफ फैले हैं, और हमने उठाया तो भाई देखो आखिर आलू को हमारे पास ही आना है, चाहे हमने उठा के ले लिया चाहे आपसे ले लिया, बताइए क्या करना है? हम नहीं देंगे, हम संघर्ष करेंगे। हाँ संघर्ष नहीं करना, स्ट्राइक करना है जैसे हम लोग करते हैं। काम बंद। अरे फसल कट चुकी है, कौन सा काम बंद कर दें, अब तो काम ही नहीं है हमारे पास। तो कुछ ऐसा कीजिए ना जिससे आप सरकार की नजर में आ सके। ट्रेन रोक दें, सड़कें तोड़ दें, कहो तो भाटिया का सर फोड़ दें। अरे नहीं नहीं नहीं, शांति शांति, अहिंसा का पथ अपनाइए आप लोग, भूख हड़ताल कर दीजिए। भूख हड़ताल? हाँ भाई कौन करेगा भूख हड़ताल? जो नेता होता है वही करता है भूख हड़ताल। हाँ भाई कौन है तुम लोगों का नेता? आप।
मैं? कांग्रेचुलेशन, आप ही को करना पड़ेगा भूख हड़ताल। मुझे एक काम याद आ गया चौटाला, जरा चलो। चौधरी साहब, कौन सा काम याद आ गया? अरे आप कहें तो मैं कर देता हूँ, हमें बताइए ना। आप मुझे बताइए, मैं अभी करके आता हूँ। ये काम याद आ गया, करेगा जाके। आप कुछ कहना चाहेंगे मुसद्दी जी? भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने आलू पटेल को भेज दो। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे आप लड़िए, आप जीतेंगे। अरे अमर रहे तो कहा जाता है उस आदमी को जो मर चुका हो। हाँ तकदीर वाले हैं आप, जीते जी ये सुनना है, कईयों को तो मरने के बाद नसीब नहीं होता। अच्छा ठीक है, तो फिर ये अनशन तब खत्म होगा जब खाद्य मंत्री आ गया हमें जूस पिलाएंगे। अरे इतना कम दाम बोलने की क्या जरूरत थी, 2 रुपए किलो नहीं बोल सकता था? अब मामला दिल्ली तक चला जाएगा, हम में से कोई नहीं बचाएगा। साफ साफ पता चल जाएगा कि आलू की क्वालिटी चालू नहीं थी और ये सब पटेल की वजह से हुआ। मुझे क्या पता था कि वो मुसद्दीलाल नेता बन जाएगा। अरे किसानों में बड़ी इज्जत है उसकी, सब चाचा चौधरी क्या के बुलाते उसको। तो उसे तोड़ दो। कैसे? हाँ उसका अनशन तोड़ दो, इज्जत अपने आप गिर जाएगी। चलो देख के तो आते हैं उसका हाल चाल क्या है। आओ। अरे चौधरी साहब कैसे हो? ए यार चौधरी कौन है बताओ, भूख प्यास के चक्कर में अपना नाम ही भूल गए। पानी। अभी तो शुरुआत है, कहीं ऐसा ना हो कि अपने याददाश्त ही भूल जाएं। अरे कितने दिन हो गए? 5। ना 6 दिन तक कोई खतरा नहीं है। अच्छा। हाँ एक बार मेरे गांव में मेरे मामा ने भी अनशन किया था। तुम्हारे मामा ने? हाँ। अनशन? हाँ। लगता नहीं है। तो पूरी बात सुन लिया अगर पहले। तो 6 दिन तक तो ऐसे रहे जैसे ही अपना मुसद्दी लाल बिल्कुल लाइंग पोजीशन में। अच्छा फिर क्या, भूख बर्दाश्त नहीं कर पाए, उठ गए। अनशन से उठ गए? अरे अनशन से नहीं, बात नहीं सुनता, दुनिया से उठ गए। लड़ा अभी 1 दिन बाकी है। ये क्या खा रहे हो तुम? केला चौधरी साहब, केला है ये। आजकल कैसा होता है केले का स्वाद? चौधरी साहब केला तो मीठा ही होता है और ये तो और भी मीठा है, वो चावल का है, खाओगे? अरे हमारे नेता का अनशन तोड़ने की साजिश। अरे क्या कर रहे हो, भागो यहाँ से, भगाओ इनको। कहाँ फंस गया मैं आलू के चक्कर में बंसी काजी? क्या है मुसद्दी जी? मेरे मरने के बाद मेरी प्याज बेच देना। अरे ऐसा मत कहिए मुसद्दी जी, ऐसा मत कहिए। 15 रुपए का रेट तय हुआ था। अरे कैसी बातें करते हैं मुसद्दी जी, फूड मिनिस्टर खुद आपका अनशन करवाने आएगा। भाटिया जी, भाटिया जी। अरे उषा जी, उषा जी, चेयरमैन साहब का फैक्स आया है। अरे आपको दिल्ली बुलाया है? नहीं, मतलब क्या लिखा है? लिखा है कि आलू की जांच की जाएगी, जांच के लिए आलू दिल्ली भेजने होंगे और वहाँ साइंटिस्ट जांच करेंगे कि आलू की क्वालिटी खराब है या अच्छी है। ले मर गए। यही तो। अब क्या होगा? पांडे की नौकरी जाएगी। आप बच जाएंगे क्या? अरे आलू की जांच तूने की थी? खराब बोलने को तो आप ही ने कहा था। अरे वो तो पटेल ने पैसे दिए थे। तो पटेल भी जाएगा? मैं कैसे जाऊंगा भाई, मैं तो जाता ही नहीं आप लोगों को। कौन है कौन आप लोग, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? रिश्वत मांगते हो? मैं कुछ रिश्वत देने वाला नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ, कंप्लेंट करूंगा आप लोगों से। सतुरा निकल जाए यहाँ से। जाता हूँ। अरे पांडे जी वो तो निकल गया, हम क्या करेंगे? चेयरमैन से माफी मांग ले क्या? अरे माफ कर देगा वो? हाँ कर देगा, उसने भी तो पैसे खाए थे गेहूँ खरीदने में। चौटाला जी, मंत्री जी नहीं आए? ना। कब आएंगे? बड़े सज्जन पुरुष थे भाई, हमेशा कहा करते थे दीवार पर पान मत टूको, पीक दान में टूको, गिफ्ट भी दिया था एक बार पीक दान। इनके नाम की सड़क बनवा देंगे। मेरा ख्याल है पुतला ठीक रहेगा। और नहीं यार, उस तो कौवे कबूतर जाने क्या क्या आगे करते हैं गंदगी। एक काम करते हैं, इनके नाम की प्याज की दुकान खुलवा देते हैं, बेचारे बहुत बड़े व्यापारी थे प्याज के। अरे थे नहीं हैं? मरने से पहले ही मार रहा है, मंत्री जी नहीं आए अभी तक। अरे चौधरी साहब आप बहुत बहुत सॉरी, मंत्री जी तो नहीं आए लेकिन उनका खत आया है, उसमें लिखा है मुसद्दी लाल जी हमें आप जैसे नेताओं पे गर्व है, इसलिए हम अपना डिसीजन वापस लेते हैं और किसानों के आलू उन्हीं के दामों पर खरीदने का आदेश देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली से
संतरे का जूस भी भेजा। अरे मेरा अनशन तुड़वाओ, जूस पी रहे हो मुझे पिला भाई। हाँ, पियो पियो पियो। अरे कोई बात नहीं चौधरी साहब, पी लो पी लो। चलो कम से कम किसानों के आलू तो बिके। मुटड्डी लाल जी, आपने बहुत मेहनत की अपने आलू के लिए। अरे आलू मेरे नहीं है, मेरी तो प्याज है। क्यों बाटिया जी, जी भिजवा दूं क्या प्याज? अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? अरे पहले जरूरत थी तो आपने बेचे नहीं, इसलिए हमने इंपोर्ट करा लिए। क्या? हाँ, हमें प्याज की नहीं आलू की जरूरत है। अरे तो मेरी प्याज का क्या होगा? आपके प्याज के भजिए चिप्स बना के बेचूंगा। बोलो देते हो 1 रुपया किलो? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।